माय सेल्फ आरके गुप्ता। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को 6.2 के बारे में बताया था। इस वीडियो में क्लास 8 के गणित के प्रश्नालिक 6.3 के बारे में बताऊंगा, सवाल को कैसे हल किया जाता है। मैंने क्या बोला कि प्रश्नावली 6.3 सवाल का दिया है कि निम्न सभी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है पहले का फर्स्ट कि 16 का वर्गमूल क्या होगा। हमने पिछले प्रश्नावली में भी आप लोग को बता रखा था कि जब वर्गमूल कहेगा निकालने के लिए सबसे पहले दिए सवाल को करनी में रखेंगे, क्योंकि किताब के अनुसार कई अलग अलग तरीके से निकालने की विधि होती है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे करनी में 16 और 16 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 2 के पहाड़े में आएगा, 2 8 16, 2 9 2 4 8, 2 2 9 4 और 2 1 2 1 2। अर्थात हम 16 को करनी में लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। तो ये दर्शाता है कि 2 का पहाड़ा 4 में लगातार पढ़ने पर 16 आता है। जो करनी होता है उसमें के अंदर जो अंक होते हैं उनका जोड़ा लगाया जाता है, और प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर आता है, उनका आपस में गुणा किया जाता है, जो मान प्राप्त होता है वह द्वितीय संख्या का वर्गमूल होता है। जो दूसरा सवाल है वो हमारा दिया है 196। सेकेंड कह रहा है 196 किसका वर्गमूल होता है, इसको भी हम पहले करनी में लिखेंगे 196, पुनः इसको निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से कि 196 किन किन संख्याओं से कटता है। 2 9 18, 2 8 16, पुनः यह 2 से कटेगा, 2 4 8, 2 9 18, अभी 7 से कटेगा क्योंकि 7 के पहाड़े में 49 7 बार आता है, तो 7 7 के पहाड़े में एक बार में आता है। अर्थात 196 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब जो अंक प्राप्त होता है इसका हम जोड़ा लगाते हैं, तो 2 का 7 का जोड़ा लगता है, जो संख्या जोड़ा लगता है उसको एक बार निकालते हैं, 2 7 14, प्राप्त संख्या का या अंक का आपस में क्या कर लिया जाता है, गुणा कर लिया जाता है। जो तीसरा सवाल है हमारा वो दिया है 529। पांच सौ उन्तीस का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 23 संख्या 23 करता है, 23 दूना 46, 52 में से 46 जाए तो 6 बचेगा, और इकाई का सम 69, 23 तिया 69। अगर 23 के पड़े में आएगा 23 से कम 23, अर्थात 529 को हम लिख सकते हैं 23 गुणे 23, अर्थात ये 23 एक अंकों का जोड़ा होगा, इसलिए कहेंगे जो 529 है किसका वर्गमूल होगा, 23 का। इसी तरह जो अगला सवाल है इसका हमारा चौथा नंबर जो सवाल है वो दिया है 400। 400 को हम लिखेंगे करनी में पहले लिख लेंगे और 400 का वर्गमूल करेंगे। ये कटेगा 2 के पहाड़े में 2 दूना 4, पुनः 2 के पहाड़े में 2 1 कम 2 और 00 उतर जाएगा, और पुनः 2 के पहाड़े में 2 5 10 0 उतर जाएगा, 2 के पहाड़े से कटेगा 2 2 ना 4, 2 5 10, अब ये 5 के पहाड़े से कटेगा, 5 5 25, 5 1 5, 49। 400 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 1 2 का जोड़ लगा, दूसरे 2 का और 1 5 का जोड़ा लगा, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2 2 ना 4 4 5 20, अर्थात 400 का जो वर्गमूल होता है किसका होता है, तो 20 का होता है। इस प्रश्नावली का जो पहला का जो पांचवा सवाल है वह 1764।
1764 को पलनकरणी में लिखेंगे, पुनः 1764 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखेंगे कि यह किन किन अंकों से कटता है। सबसे पहले 2 से कटेगा क्योंकि का स्थान पर क्या है 4 है, 2 8 16, पुनः एक बचेगा 2 8 16, 2 2 9 4, पुनः ये 2 से कटेगा, 2 4 8, 2 4 8, 2 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 4 4 8 1 9, यानी कि इनके अंकों का योग 9 है जो कि 3 के पहाड़े में आता है, 3 कने 3, 1 बचेगा 14, 3 चौको 12, 2 बचेगा 21, 3 सत 21 7 4 11 12, पुनः यह 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 2 बचेगा 27 होगा, 3 नवा 27, अब 7 से जाएगा, 7 सत 49 7 कने 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब जोड़ा लगाएंगे, 1 2 का लगेगा, 1 3 का लगेगा, 1 7 का लगेगा। लगाए हुए जोड़ों का एक एक अंक बाहर निकाल कर उनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 3 6 6 7 42। अगला जो इसका सवाल दिया है 54 नंबर, वो दिया है 4096। 4096 को सबसे पहले करणी में लिखा जाएगा, पुनः 4096 का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। ये सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 2 9 4, 0 का 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 1 बचेगा 16 होगा, 2 8 16, पुनः ये 2 से कटेगा, 2 1 2, 0 उतरेगा, 2 2 9 4, 2 चौको 8, पुनः 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 9 4, पुनः 2 से कटेगा, 2 2 9 4, 2 5 10, 2 6 12, पुनः 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 2 9 4, 2 8 16, पुनः 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 चौको 8, पुनः 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 2 9 4, पुनः 2 से कटेगा, 2 1 2, 1 हासिल बचेगा 12, 2 6 12, पुनः 2 से कटेगा, 2 8 16, पुनः 2 से, 2 चौको 8, पुनः 2 से, 2 2 9 4, 2 1 2, इस तरह का होगा तब तक काटते रहेंगे जब तक उसका शेषफल 1 के बराबर न हो जाए। अर्थात हम लिख सकते हैं 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। करनी में 2 कितने बार बार बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 और 6 जोड़ा, अर्थात 2 कितने बार जोड़ा लगा, 6 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। इन सबका आपस में गुणा करेंगे तो 2 2 9 4 4 2 9 8, 8 2 9 16, 16 2 9 32 32 2 9 64, अर्थात 4096 का जो मान होगा 64 के बराबर। इस प्रश्नावली का जो अगला सवाल होगा वो है हमारा सातवां। सातवां सवाल क्या कर रहा है कि 7744 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे 7744। अब हम 7744 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 3 6 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 7 14, 2 2 9 4, पुनः 2 से ही कटेगा, 2 1 2, 1 बचेगा 18 होगा, 2 9 18, 7 है, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 1 बचेगा 13 होगा, 2 6 12, 1 बचेगा 16 होगा, 2 8 16, पुनः 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 चौको 8, पुनः 2 से ही कटेगा, 2 2 9 4, 2 1 2, 2 2 7 14, बंद कर दिया, एक मिस्टेक हो गया था, हम इसको सुधार करेंगे। यहाँ पे जब हमने काटा था कि 2 9 18
एक बचा 13 होगा 2 6 12, एक बचा 16 होगा 2 8 16, पुने 2 से कटेगा अर्थात 2 4 8, एक बचेगा ये 16 होगा 2 8 16, 2 4 8, पुनः ये 2 से कटेगा 2 2 4, 2 4 8 और 2 2 4, फिर ये 2 से कटेगा 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। आप लोग को पहले वीडियो में बता भी था कि 121 11 का वर्ग होता है, तो कुछ हमें वर्गमूल के बारे में पता भी होना चाहिए। तो 11 कने 11, एक बचेगा 11 कने 11, हम लिखेंगे 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और 11 कितने बार, 2 बार। जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, और यानी कि 2 का 3 बार जोड़ा लगा है और 11 का 1 बार, गुणा करेंगे 2 2 4 4 2 8 8 11 8 88, अर्थात 88 जो 7744 का जो अगला सवाल है, आठवां सवाल है 11664। हमें बताना है कि 11664 का क्या मान होगा, तो हम लिखेंगे 11664, ये 2 से कटेगा 2 5 10, एक बचेगा 16 होगा 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से कटेगा 2 2 4, एक बचेगा 18 होगा 2 9 18, 2 1 2 1 बचेगा 2 6 12, पुनः 2 से कटेगा 2 1 2 2 4 8, एक बचेगा 11 2 5 10, 2 8 16, पुनः 2 से कटेगा 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18। अभी हो गया 729, 9 2 11 11 7 18, जो कि 3 के पड़े में आता, अब ये 3 से कटेगा 3 2 6, 3 4 12, 3 3 का 9, पुनः 3 से कटेगा 3 8 24, 3 1 3, पुनः 3 से कटेगा 3 2 6, 2 बचेगा 3 7 21, पुनः 3 से कटेगा 3 9 27, पुनः 3 से कटेगा 3 3 का 9, पुनः 3 से कटेगा 3 1 3, और लिखेंगे कि 11664। सबसे पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इनके 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 बार क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 4 5 6, जोड़ा लगाएंगे, 1 2 का जोड़ा, दूसरा 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, कितने बार, 3 बार, जिसका जोड़ा लगता है उसका एक अंक बाहर आता है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 2 बार जोड़ लगा 3 का 3 बार, तो 2 2 4 4 3 12 12 3 36, 36 में जरा 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 108, यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ऐसे ही सवाल को देखने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस सवाल का अगला हल आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू।